ढाका की सबसे बड़ी होलसेल मंडी में मैं आया हूं और यहां व्यापारी ये बता रहे हैं कि फिलहाल उन पर भी दबाव है और इसलिए कोशिश की जा रही है कि कीमतें ज़्यादा ना बढ़ने पाए। सप्लाई चेन धराशायी होने के चलते बहुत माइनर फर्क पड़ा है, लेकिन जो डेटा स्टैटिक बताता है वो बताता है कि जो कीमतें हैं और जो फूड इन्फ्लेशन की दर है वो लगभग 13 साल का रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों को लग रहा है कि जिस तरह सरकार से बातचीत हो रही है, संभवतः अगले महीने से कीमतों में ज़्यादा उछाल आए और उसकी सबसे बड़ी वजह है खाद्यान्नों का आयात, जिसके लिए बांग्लादेश डॉलर में आयात के लिए पैसा देता है और डॉलर के मुकाबले उसकी अपनी जो मुद्रा है टका है उसकी कीमतों में गिरावट आई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी महंगाई पर लगाम लगाना। जो बांग्लादेश की ब्यूरो ऑफ स्टैटिक है उसका डेटा बताता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है यानी खाद्य पदार्थ की जो महंगाई दर है वो 13 सालों में सबसे ज़्यादा होकर के 14% पहुँच गई है। यानी पिछले महीने की तुलना में जो लगभग 2% के पास जा रही थी उसमें इतना उछाल आया है कि अब वो महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन की दर है वो 14 तक पहुंच गई है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि इस प्रदर्शन के दौरान जो सप्लाई लाइन यानी जो अनाज है, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पूरी सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हुई है और उस श्रृंखला के प्रभाव के चलते महंगाई की दर बढ़ी है। और अगर ऐसे में हालात सामान्य नहीं होते तो इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। और जाहिर है पहले ही महंगाई बेरोजगारी को लेकर के पिछली सरकार के खिलाफ नाराज़गी थी और ऐसे में अगर महंगाई दर और बढ़ती है तो अंतरिम सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।